आज की टॉप स्टोरीज हैं, आलिया कौन सी बायोपिक के लिए थी द फर्स्ट चॉइस, मिलेंगे आमिर से ऑन हिज 51st बर्थडे, करेंगे एक एक्सक्लूसिव मुलाकात कपूर एंड सन्स की कास्ट के साथ। हाय गाइस, मैं हूं शार्दुल एंड यू आर वाचिंग स्पॉट बॉय, सब कुछ बॉलीवुड। आलिया भट्ट आजकल काफी चर्चा में है और इन कई इंटरेस्टिंग चर्चाओं में से एक इंटरेस्टिंग बज ये है कि आलिया थी फर्स्ट चॉइस फॉर अ बायोपिक जिसे रिसेंटली काफी अकोलेट्स मिले। कौन सी बायोपिक की बात कर रहा हूं मैं और क्यों निकल गई ये फिल्म आलिया के हाथ से, लेट्स फाइंड आउट। क्या आपको पता है कि आलिया थी द फर्स्ट चॉइस फॉर नीरजा एंड नॉट सोनम कपूर? वेल ट्रस्ट स्पॉट बॉय टू ऑलवेज गेट यू द अनटोल्ड इनसाइड स्टोरी। अब जब नीरजा इतनी बड़ी हिट हो गई है कि फिल्म ने क्वीन और मैरीकॉम की लाइफटाइम कलेक्शंस को कर दिया है बीट, शायद आलिया सोच रही होंगी कि उन्होंने क्यों नहीं प्ले किया एयर होस्टेस नीरजा भनोत का रोल ऑन स्क्रीन। पर क्या रीजन था कि आलिया डिडंट एंड अप प्लेइंग द टाइटल रोल इन नीरजा? क्या उन्होंने ऑफर टर्न डाउन कर दिया? नोप्स, रादर इट वाज द अदर वे अराउंड। लिटिल आलिया लॉस्ट द फिल्म टू सोनम क्योंकि बिलीव इट और नॉट वो है हाइट में रादर शॉर्ट और प्रोड्यूसर अतुल कसबेकर वाज कन्विंस्ड कि आलिया नहीं सोनम लगेंगी बेटर एज एन एयर होस्टेस। आउच, दोनों की हाइट में करीब 5 इंच का फर्क है एंड दीज 5 इंचेस कॉस्ट आलिया दिस प्लम रोल। फिल्म के को प्रोड्यूसर्स फॉक्स स्टार स्टूडियोज थे रादर हॉट ऑन आलिया पर अतुल थे इन फेवर ऑफ सोनम कपूर शुरुआत से। इट टुक सेवरल मीटिंग्स एंड अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग और उसके बाद फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट सोनम वुड बी द कैप्टन ऑफ द प्रोजेक्ट। वैसे आपको लगता है कि आलिया बेटर चॉइस थी फॉर द रोल? हैप्पी बर्थडे आमिर। हर साल की तरह इस साल भी आमिर ने होल्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इनवाइटेड मीडिया टू बी अ पार्ट ऑफ हिज स्पेशल डे। आइए देखते हैं क्या थी इस पीसी की हाइलाइट्स। अपनी 51st सालगिरह पर आमिर खान लग रहे हैं न्यू एंड इम्प्रूव्ड। उन्होंने 5 नहीं 10 नहीं पूरे 13 किलो लूज कर लिए हैं इन द लास्ट फ्यू वीक्स, पर उनकी माने तो ही नीड्स टू शेड मोर वेट। तो 95 से कम होके इस वक्त मैं 82 पे आ गया हूँ, 13 किलो कम हुए और अब 12 किलो बाकी हैं, तो 50% मतलब आधे मार्क पे आ गया हूँ मैं। तो अभी आप गजनी वाले? गजनी लुक चाहिए मुझे, लाइक फॉर द लास्ट 3 वीक्स आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज इन द यूएस and I was there specifically to lose weight and you know so I could focus on weight loss and I was working out roughly in different forms. I was doing 6 to 7 hours of exercise a day. इसी सिलसिले में आमिर गए थे US to consult medical experts और उनकी मेहनत रंग लाई है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। दरअसल दंगल के सेकंड शेड्यूल के लिए आमिर नीड्स टू लुक लीन और इसके चलते ही इज ऑन अ वीगन डाइट, मतलब कि नो डेयरी, बट ही डज मेक एन एक्सेप्शन फॉर फिश जो कि रेकमेंड की है उनके डाइटिशियन ने। आई वेंट ऑन अ वीगन डाइट बिकॉज आई फील दैट्स अ मोर हेल्दी डाइट, बट आई मस्ट ऐड दैट आई एम नॉट अ मॉरल वीगन, यू नो सम पीपल आर मॉरली वीगन, आई एम नॉट दैट हार्डकोर। I must confess that I am a vegan because I feel it's just a much more healthy way of life. Are you cheating on your vegan diet? No, you know, for the next 3 months, my dietitian has insisted that he wants me to have very high quality protein. So he wants me to have fish. वैसे हाल ही में आमिर थे इन द न्यूज फॉर इज इनटॉलरेंस डिबेट जिसके लिए उन्हें मिला काफी नेगेटिव प्रेस। स्पॉट बॉय ने जब इसका मुद्दा छेड़ा तो दिस इज हाउ आमिर रिस्पोंडेड। आई थिंक अ मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस नोज मी एंड दे नो मी, माय रिलेशनशिप विद देम इज ऑफ ओवर 27 इयर्स, सो द पीपल हु क्वेश्चन मी आई थिंक आर पीपल हु आर ऑलरेडी बायस्ड अगेंस्ट मी, सो दे विल क्वेश्चन नो मैटर व्हाट आई डू, दे विल क्वेश्चन, आई डोंट रिएक्ट टू दैट because no matter who you are and no matter what you do in life, people raise questions on you, people doubt you. The important thing is that you should not be negative, the important thing is that you should be positive. Ab baat karte hain the most special birthday gift ki jo ki Aamir ko mila Little Azad se. T-shirt jo dekh rahe hain aap log, ye Azad ne banaya mere liye. Kya baat hai, आजाद ने बनाया और किरण जी ने उसको प्रिंट करके टी शर्ट पे डाला है। Isn't that cute?
और अब वक्त है फॉर सम फन गाइज. अप नेक्स्ट है मेरे साथ आलिया, फवाद एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा. लड़कियों बेहोश मत हो, ये ट्रायो था टोटल फन मूड में हमारे साथ की खूब मस्ती और धमाल. हियर्स अ स्नीक पीक ऑफ देयर चैट, बट टू सी द अनकट वर्जन कहां जाना है, टू आवर पोर्टल spotboy.com. नॉर्मली हम लोग ना इंटरव्यूज में स्टार्स को इंट्रोडक्शन देते हैं, बट टुडे आई हैव बीन टोल्ड स्पेशल इंट्रोडक्शन, सो दिस वन इज फॉर यू. हमारी एचआर हेड है लोपा, शी इज गोना गेट अ हार्ट अटैक बिकॉज शी वाज लाइक प्लीज फवाद को जाके बता देना आई एम अ ह्यूज फैन. सिद्धार्थ के लिए हमारी जो स्टाइलिस्ट थी वो बोली थी मैं सिद्धार्थ से मिलने आऊंगी, सिद्धार्थ से मिलने आऊंगी. शी एक्चुअली गॉट फीवर एंड दिस डजंट हैपन. एंड वेल हाउ आर यू आलिया? आई डोंट नीड एनीवन एल्स. वेलकम टू स्पॉट बॉय. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट माय डायरेक्टर फॉर डूइंग दिस सेटअप बिकॉज मैंने बोला था कि आलिया को पास में बिठाना, पास में बिठाना, बट सो यू बीन टू द जिम टुडे? यस. Then I'll flirt later. Superb. So let's now do something fun. Thing is कि आप तीनों लोगों ने इतने समय तक साथ में शूटिंग करी, हॉर्स राइडिंग करी, बहुत सारी चीजें करी, अभी केमिस्ट्री हो चुकी होगी बहुत अच्छी. हम लोग यहाँ पे आपके BFF टेस्ट लेने वाले हैं, राइट? सो वी आर गोना स्टार्ट विद आलिया. तो आलिया मैं आपसे पूछूंगा इनके बारे में सवाल, क्विकली यू हैव टू आंसर. वॉट इज सिद्धार्थ फेवरेट डाइनिंग प्लेस? वसाबी. Through. Fawaz married for how many years? Past. Past Fawaz married past. Tell us a little. Past. 12 years. It's been I got married in 2008. I'm not counting the years. I've been counting the years. I'm not counting the years. ये interesting है. आलिया को नहीं पता चलेगा. See, interesting enough because I met my wife when I was 17 years old. 8 years. So I proposed to her when I was 17 years old. I've been with her since I've been 17 years old. But शादी 8 साल. शादी को हो गया नहीं, दस तो हो गए. दस हो गए. डिसाइड कर ले, सोच लेना. दस हो गए. We did our 10th anniversary just a while back, so I'm just counting. 11वीं तो नहीं गुजर गई अभी. Sorry यार. What does Sid do when he's extremely angry? Starts mumbling and speaking very very quickly and between Sid and Fawad, who will be your 3 AM friend? जिस पे भरोसा है कि अगर कुछ problem फंस गई तो मैं इनको call करूँगी, they'll pick up. अभी हम फवाद का टेस्ट लेंगे. फवाद सिद्स फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? अक्षय कुमार. आलियाज इंस्पिरेशन इन बॉलीवुड और हॉलीवुड? आई वुड से दैट इफ शी इज एन इक्विवेलेंट of a Hollywood actor, her counterpart would be Jennifer Lawrence. I always say that. Seriously, everybody thinks that. Do you like Jennifer Lawrence? Love, love. Yeah. All right. One number always on Sid's last dial list. Should I say that? Yeah. Alia really get irritated on GK questions anymore. Actually, it's mujhe. No, she doesn't. She's But do you? Because everywhere you go is like, Alia, we want to test your intelligence. Then y'all are more excited about that. I am not. I have not asked you even one question. Let's go into an imaginary scenario. Or किसी celebrity को अगर आपको अपनी family member बनाना हो और उनको you give them a role, father, mother, brother, sister, तो वो कौन से celebrity होंगे? I can replace my older brother. And bring who? Akshay Bhaji, I think. I've already lived with him for a while and he's the coolest. Wow, Arshad. How would you do that to him? Yeah, because I can. No. But kitna discipline rehna padega because I met him and apparently 6 baje khana band sham ko. No, evening. Ha, but it's I would love to have that lifestyle, man. He has a great gym. I worked out with him in that gym. He's very disciplined, he's very easy going and a lot of fun. It's okay. Not like it's not fun anymore. You Fawad, you. I'd love to have Rishi Kapoor in my family. As any member of the family, but he should be there as Chachi. At an occasion or something like that. It would be amazing to have that one family member who's just got these amazing stories to tell and cracking up and yeah. And doing whatever the hell he wants. Thank you so much for being with us on Spot Boy. Best of luck to you. Thank you. Arjun Rampal आजकल लाइफ काफी एंजॉय कर रहे हैं, इतनी है कि उन्हें अब पैपराजी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. मुंबई के एक रेस्टोरेंट के सामने अर्जुन हुए क्लिक, हैविंग सम चिल्ड फन. टेक अ लुक. अर्जुन रामपाल थे फुल ऑन पार्टी मूड में ओवर द वीकेंड और इस मूड की वजह से अर्जुन आए स्पॉट बॉय के रडार में. ऑन सैटरडे अर्जुन कर रहे थे पार्टी विद सम क्लोज फ्रेंड्स एट ऑलिव और निकलते वक्त उनके हाथ में थी उनकी बेस्ट फ्रेंड फॉर द इवनिंग. लगता है अर्जुन को बाहर खड़ी पैपराजी से कोई डर नहीं था, इसीलिए वो बॉटल लेकर ही बाहर आ गए. वेल अर्जुन माना कि आप हाई स्पिरिट्स में नहीं थे, यू वर जस्ट हैविंग अ चिल्ड आउट टाइम, लेकिन फिर भी दिस वुडंट बी नॉट द बेस्ट वे टू फेस द पैपराजी. अर्जुन
That's all for now. लेकिन wrap up करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं आज पूछे गए सवाल पर आपके views. We asked you कि क्या कपिल को colors की पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी. These are your comments. Supriya, what kind of channel is colors? Why would a person with whom you parted ways on a bad note come to your party? Ajax, always stay away from your ex, always. Kumar says, right, who would go to party which is attended by the likes of Krishna and Bharti? Sujoy says, unsubscribing Colors TV right now. Aise hi aur bhi interesting comments hame bhejte rahiye and stay connected to Spotboy by logging on to our portal spotboy.com. By the way, the Colors party was too much of fun. We are also on Facebook and Twitter where I've uploaded the pictures. This is me, Shardul, signing off, but you stay tuned for some mazedar music.